इंडिया आप तक समाचार कड़वा लेकिन सच। रतनलाल सी बाफना ज्वेलर्स, जहां विश्वास ही परंपरा है। नमस्कार, मैं हूं आनंद शर्मा और आप देख रहे हैं इंडिया आप तक समाचार। जलगांव का रामदेव वाड़ी दुर्घटना प्रकरण, जिसमें एक कार की टक्कर में चार लोगों की मौत हुई थी, दो छोटे बच्चे थे, एक महिला और एक युवक की मौत हो गई थी। ऑन द स्पॉट बच्चे चले गए थे उसमें, और जिसके बाद काफी सारा बवाल हुआ था। हिट एंड रन मामला बताया जा रहा था, वो बड़े लोगों के बच्चे इन्वॉल्व होने की वजह से पुलिस भी कहीं ना कहीं पार्शियलिटी कर रही थी, ऐसा आरोप रामदेव वाड़ी के जनता ने लगाया था। पूरे गांव वालों ने मतदान का बहिष्कार किया था और बहुत सारे पंगे हुए। बाद में पुलिस को उन तीन लोगों को अरेस्ट करना पड़ा था, जिसके अंदर अर्णव कौल, अखिलेश पवार और ध्रुव सोनवने नाम के तीन आरोपी थे, जिनको पकड़ा गया था। इन लोगों पर गांव वालों ने आरोप लगाया था कि ये लोग नशे में गाड़ी चला रहे थे। जो ड्राइवर था वो नशे में गाड़ी चला रहा था, गाड़ी के अंदर गांजा जैसा पदार्थ भी मिला था पुलिस को जिस वक्त दुर्घटना हुई थी उस वक्त। ये सारा मामला बहुत बार हुआ, जब अरेस्ट किया गया उनको तो जलगांव की अदालत ने पहले पुलिस कस्टडी दी, उसके बाद उनको जेल भेज दिया गया। जलगांव की जेल में जगह नहीं होने की वजह से उन्हें नंदुरबार की जेल में रखा गया, और जब नंदुरबार की जेल में रखा गया तो उस वक्त भी लोगों ने काफी सारे आरोप लगाए। लोगों का कहना था कि इनको नंदुरबार इसलिए शिफ्ट किया गया है क्योंकि वहां के पालक मंत्री जो हैं वो अनिल पाटिल हैं। तो ये सारी चीजें बहुत सारी चल रही थी, अब इस बात को पूर्ण विराम लग चुका है। हाई कोर्ट ने इन तीनों आरोपियों को 1,00,000 के जात मुचलके पर जमानत दे दी है, और अब ये लोग जमानत पर बाहर हैं जेल से। अब केस चलेगा और जो भी गलत किया होगा, जिसने भी गलती की है, उसे सजा जरूर मिलेगी, ऐसा अनुमान है। इस केस के अंदर पहली बार ऐसा हुआ है कि दुर्घटना प्राइवेट कार से हुई है, लेकिन सरकार की तरफ से गांव के जो मृतक थे उनके परिवार वालों को मुआवजा मिला है। कुछ लोग इस पर भी सवाल उठा रहे हैं कि क्या ये इस तरीके से मुआवजा मिल सकता है। अब खैर, इसमें जो बातें थी, जो टर्निंग पॉइंट्स थे, जो पॉइंट्स थे इस दुर्घटना से जुड़े हुए, उसको लेकर ये सब कुछ सही लगता है। खैर, जो भी हो, जिसने गलती की है उसे जरूर सजा मिलेगी, कानून अपना काम जरूर करेगा, न्याय मिलेगा, ऐसा उम्मीद है। धन्यवाद। इंडिया आप तक समाचार कड़वा लेकिन सच। जळगावचे नवी ओळख वस्त्रनगरी, घटस्थापनेपासून नवीन वास्तू, सुरेश कलेक्शन्स अँड क्रिएशन, 80 फुटी कांदळदा रिंग रोड, राधाकृष्ण नगर चौक, छत्रपती शिवाजी नगर, जळगाव। सौंदर्य विश्वाची 73 वर्षांची परंपरा, सुरेश कलेक्शन्स अँड क्रिएशन, जळगाव।